या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। सवाल ये है कि पुलिस की वर्दी पहनकर नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? पुलिस की वर्दी के अंदर अगर कोई जानदार चीज़ की कोई ऐसा बैच नहीं लगा हुआ, क्योंकि पुलिस के डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो सबकी वर्दियाँ भी मुख्तलिफ होती हैं गवर्नमेंट की, तो अगर उसके अंदर कोई ऐसी जानदार की तस्वीर वाला कोई ऐसा बैच लगा हुआ है तो उसको नमाज के दौरान निकाल देना चाहिए, बाकी उस वर्दी के अंदर नमाज हो जाएगी। और अगर उसके अंदर नेम प्लेट वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, सिटी जो उसमें होती है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, और वर्दी पे कोई ऐसी जानदार की तस्वीर भी नहीं होती। एक सत्यमेव जयते का एक लोगो जो होता है शेर वाला, अगर वो कहीं लगा हुआ है तो उसको ढकना या उसको हटा देना, उसको अगर ऐसा है कि वो हट सकता है तो उसको निकाल देना चाहिए। बाकी नमाज जो है ना पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर पढ़ना चाहे तो उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं ड्रेस के अंदर जो नमाज के लिए मान्य हो। आधी आस्तीन रहती हैं बाज़ सूरतों में, और तो उसमें भी नमाज मकरूह तंजीह ही होती है जबकि कपड़ा मौजूद हो, तो यूनिफॉर्म जब बंदा ड्यूटी के ऊपर होता है तो दूसरा कपड़ा भी मौजूद नहीं होता, तो इस सूरत में आधी आस्तीन में भी नमाज हो जाएगी। तो इसलिए जानदार की उस पर कोई बिल्ला वगैरह हो उसको निकाल कर नमाज पढ़ी जा सकती है। सुलेमान है, इन्होंने पूछा है कि मुरीद होने के लिए वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी है और बिना इजाज़त के मुरीद बन गए तो इसमें कोई हर्ज है या नहीं? तो किसी भी नेक अमल करने के लिए वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, बास चीज़ों में बेहतर होता है कि उनको बता देना या उनसे इजाज़त ले लेना, लेकिन हर चीज़ के अंदर लाजमी नहीं होता। और ख़ासकर ये जो सवाल है वाले मुरीद होने के ताल्लुक से, तो इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि वालिदैन से पूछा जाए। अगर मुरीद होने के लिए बता दिया जाए तो अच्छा है, या मुरीद होने से पहले ख़बर कर दी जाए, उनकी दुआएँ भी ले ली जाएँ इस नेक काम में जुड़ने से पहले तो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई बग़ैर उनके बताए अपनी मर्ज़ी से, ये बताने का मौका नहीं था, कहीं गए हुए थे और वहाँ उनका इत्तेफाक ऐसा हो कि जिनसे मुरीद होना था उनसे मुलाकात हो गई है, उनकी महफिल में पहुँच गए, तो ऐसे में ये क्या है कि हाथों हाथ बंदे को फ़ैसला करना पड़ता है कि दोबारा मुलाकात हो ना हो, तो वहाँ पूछने का ऐसे मौके पर वक्त कभी कभी नहीं होता। तो इस तरह से अगर किसी से मुरीद बन जाए वालिदैन को नहीं बता पाएँ तो कोई इसमें तेरी मुरीदी में ख़राबी नहीं होगी, बाद बनने के बता दिया जाए तो इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। कब से अपनी खताओं का शुमारा